इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तेलंगाना से एक हैरान करने वाली खबर आई है। सूर्यापेट में एक हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कबड्डी मैच के दौरान स्टेडियम की गैलरी ढह गई। अचानक हुए इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। तेलंगाना के सूर्यापेट में राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा था। इसमें 29 राज्यों की टीम पार्टिसिपेट कर रही थी। आज भी मैच चल रहा था, लेकिन जहां मैच का उत्साह होना चाहिए था, चीख पुकार मच गई। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया। दो लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया है। खबर आप देख रहे हैं, जहां हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। कबड्डी मैच के दौरान स्टेडियम की गैलरी ढह गई और इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। आपको बता दें कि सूर्यापेट में राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा था और इसमें 29 राज्यों की टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और जब मैच चल रहा था, अचानक उसी वक्त मैच का उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी किया गया, लेकिन जिन दो लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, उन्हें हैदराबाद रेफर किया गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।